हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज जयेश ठाकुर, क्यूरिंग संस्था में आईटीआई जो कि ट्रेड इलेक्ट्रीशियन। जैसे कि आप लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो ये टॉपिक है इलेक्ट्रिकल वर्क और ट्रेड और दूसरा है विद्युत उपकरण रेंज, ठीक है। हॉट प्लेट क्या होता है अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे ना। हॉट प्लेट क्या होता है? हॉट प्लेट जो होता है वो आपका विद्युत स्रोत के बाद ही काम करता है, बस इसमें क्या उसके बाद उच्चतम में ले जाना।
बेसिकली ये होता है, देखो उसमें क्या होता है, चार प्रकार का शेड लगा हो जाता है। पहला एक ऑफ मोड है, दूसरा मोड है मध्यम मोड है, और एक मोड है निम्न मोड। दो या तीन ब्रेड को हम इसमें डाल के इसके अंदर गर्म
कार्य प्रणाली। कार्य प्रणाली में क्या होता है, इसके अंदर उस पर तंत्र लगा रहता है और यहाँ पर स्टेशन देने वाला रहता है। हम ब्लेड को जैसे इसके अंदर डालते हैं और जब इसको दबाते हैं तो क्या होता है, ये चालू अवस्था में रहता है, इसमें पावर सप्लाई बनाना शुरू होता है। तो जब इसको बंद ऐसे दबा करते हैं तो इसमें कंटिन्यूटी इसके अंदर क्या होता है, जो उसमें तंत्र इस प्रकार से लगे होते हैं, उसमें तंत्र क्या होते हैं, लगे होते हैं, इसमें पावर सप्लाई क्या होता है आने लगता है। और जैसे ही इसमें तंत्र पावर सप्लाई आने लगता है क्या होता है, वो हीट हो जाता है और हीट होने के बाद उसमें ब्लेड इसके अंदर क्या रहता है, तो वो क्या होता है, हीट होने ब्लेड क्या करते हैं, प्रोडक्शन फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं, मतलब उसमें क्लियर करते हैं। ओके, फिर उसके बाद जैसे हम यहाँ के बटन को पुश बटन को ऊपर करते हैं किसमें आ जाता है, ऑफ कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, ऑफ कंडीशन में आ जाता है और इसके क्या करना रहता है, ऑफ कंडीशन में आ गया और ऑफ कंडीशन में आने के बाद इसमें जस्ट इसको ऊपर करने पर इसे पावर सप्लाई किया जाता है। ठीक है, है ना, इसमें क्या करना चाहिए, जस्ट इसको छोड़ते हैं तो क्या होता है, ब्रेड ऊपर बाहर निकल जाता है, अगर दूसरा ब्रेड को डाले अपने को क्या होता है गर्म। तो ये हमारा इस पर टोस्टर है। वैसे तो टोस्टर हमारा कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक ऑटोमेटिक टोस्टर होता है और एक होता है सैंडविच टोस्टर। ठीक है, वैसे कितने प्रकार का होता है टोस्टर, दो प्रकार का, टू टाइप का होता है। पहला होता है ऑटोमेटिक, दूसरा होता है सैंडविच। पहला होता है ऑटोमेटिक टोस्टर और दूसरा होता है सैंडविच टोस्टर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिक टोस्टर में क्या लगा रहता है, इसमें थर्मोस्टेट लगा रहता है। जैसे मैं पहले बताया था थर्मोस्टेट क्या काम करता है, थर्मोस्टेट ज्यादा पावर सप्लाई आती है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है। ठीक है, तो सेम वही है यहाँ पर, तो थर्मोस्टेट क्या लगा होता है, जो कि आपके उष्मक तंतु के साथ इसमें लगा होता है श्रेणी क्रम में लगा होता है। ठीक है, उष्मक तंतु के साथ श्रेणी क्रम में लगा होता है, उष्मक तंतु के साथ अगर श्रेणी क्रम में लगा होता है, जैसे उसमें पावर सप्लाई आता है, ज्यादा पावर सप्लाई आता है तो क्या होता है, ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, कट होता है। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या करना पड़ता है, थर्मोस्टेट को पहले से सेट करके रखना पड़ता है। जैसे ही हम ब्रेड को डालते हैं अगर ज्यादा पावर सप्लाई ले रहा है तो क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, यहाँ से पावर सप्लाई का हो जाएगा कट। ठीक है, देखो इसमें क्या हो जाता है, इसमें भी क्या होता है, ऑटोमेटिक वाले में क्या मुख्यतः तीन स्टेज होते हैं, एक निम्न, एक उच्च और एक मध्यम। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, पहले सेट कर देते हैं, जैसे ब्रेड हम उसमें डालते हैं, ब्रेड डालने के बाद उसमें क्या होता है कि अगर तापमान ज्यादा कम है तो ठीक है, ज्यादा हो रहा है तो थर्मल स्टोर से क्या करेगा, कट ऑफ कर देगा और उससे हमारा जो बिजली का खपत है वो कम होगा। ठीक है, ये चीजों को आप याद रखें। चौथा इसमें यह करना है कि जो सेंट्रल स्ट्रक्चर होता है सेम उसी प्रकार से होता है, बस इसमें क्या होते हैं, हम त्रिकोणीय